रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पब्लिक खबरें, अपराध पर तत्काल संज्ञान, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना सिर्फ। 1840 हैदराबाद, फिल्म की घोषणा, फिल्म की कमाई का आधा हिस्सा होगा दान। जी हाँ, ब्रोसनाओ एंटरटेनमेंट, मानसरोवर एंटरटेनमेंट एवं साम सिनेमा प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से बन रही सस्पेंस थ्रिलर 1840 हैदराबाद नामक हिंदी फिल्म का नवरात्रि के पहले दिन ही घोषणा के साथ पोस्टर मुंबई के गोरेगांव में आयोजित एक समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर राहुल सिंह का कहना है, उन्हें इस फिल्म का आइडिया सपने में दिखाई दिया, लेकिन जब वह हैदराबाद जाकर इसकी जांच पड़ताल किए तो उन्हें सब आकर दिखाई देने वाले फिल्म सभी स्थान और बातें सत्य साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने सोनू सहगम को इस फिल्म को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। इस फिल्म का म्यूजिक धीरज कुमार जी बना रहे हैं। कलाकारों का चयन रोहित तिवारी ने किया है। फिल्म के DOP श्रीकांत दत्ता जी है। इस फिल्म की निर्माता आयशा हिना, जमीर सालिनी रस्तोगी, कल्पना जी है, जबकि सह निर्माता अर्जुन यादव, मनीष सिंह ठाकुर, अरविंद सिंह है। फिल्म के कलाकारों में विकास कैलाश, करण सिंह छाबरा, जेनी लफेरी, जयंतिका सेन गुप्ता, सना खान, राहुल रॉय, सौरव मिश्रा, सैफ खान का समावेश है। फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी प्रदीप रीते और विश्वजीत कुमार के कंधों पर है। विशेष बात तो यह है कि इस फिल्म की आधी कमाई को महानारायण ठाकुर फाउंडेशन को दान किया जाएगा। इसकी घोषणा भी फिल्म से जुड़े डायरेक्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण लोग द्वारा किया गया। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा बिहार, झारखंड, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इस फिल्म के कुछ गानों की शूटिंग विदेश में करने की तैयारी डायरेक्टर राहुल सिंह की है। कुल मिलाकर यह सस्पेंस थ्रिलर मनोरंजन से भरपूर फिल्म होगी। आइए सुनते हैं फिल्म से जुड़े लोगों का क्या कहना है। कुमार जी हैं और ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है और सबसे जो टफ मेरे लिए काम था इसमें यूनिक दिखाना था कि मोस्टली आपने देखा होगा कि हॉरर मूवी में क्या होता है कि ये भूत होते हैं या तो जिस्मानी ताल्लुक के लिए लड़ते हैं या फिर मुक्ति के लिए मर्डर किया किसी ने उसके लिए लड़ते हैं या छुटकारा चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ हटके मुझे दिखाना था तो काफ़ी मेहनत किया, राहुल जी ने सपोर्ट किया, काफ़ी हमारी चर्चा हुई काफ़ी कि हम क्या अलग एक्स्ट्रा कुछ लाएँ ताकि पब्लिक को लगे कि इसमें कुछ नया है और अभी तक काफ़ी अच्छा लिखा गया है। इसमें दो मेलोडी है, दो पार्टी सॉन्ग है और एक सैड म्यूजिक सैड के साथ। मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और राहुल भाई काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया म्यूजिक के लिए। थैंक यू। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पहली बार मैं पढ़ा है और पहली बार सुना ऐसे कॉन्सेप्ट। एंड में जो कहानी है वो पहली बार सुना मैंने, तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। पोस्टर एक हवेली हम दिखा रहे हैं, जिस हवेली में की पूरी हमारी कहानी है, जहाँ की पूरी हवेली की, ये 1840 हैदराबाद 1840 में ये कहानी हुई थी, ये रियल कहानी है, उस टाइम पे ये हुआ था और ये कहानी मैंने सपने में देखा था। फिर मैंने इस कहानी को स्टडी किया और वहाँ पे गया तो मुझे वो चीज़ हकीकत मिला, तो फिर मैंने सोनू भाई को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे चल के हम लोग रेखी करते देखते उस चीज़ को, तो गए तो हकीकत मिला, उसको हम लोग फिर कहानी के रूप में। गौरव कुमार है और मैं एक्टर हूँ और थैंक यू सो मच कि राहुल जी ने ना मुझे ये मौका दिया और विकास जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और प्रदीप जी जो इन्होंने कास्टिंग की है इस मूवी में और लाइन प्रोड्यूसर भी हमारे, इनको बहुत पहले से जानता हूँ मैं, और हमारे दोस्त सैफ ये भी हमारे दोस्त हैं। कास्टिंग कैसे कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मूवी को। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि हॉरर बेस्ड मूवी है, फिक्शनल नहीं है ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा और इसलिए मैंने यू नो दोस्त हैं तो फिर हाँ कर दी इस मूवी के लिए करने के लिए। और जी जी आप बताएं सर। मेरा नाम प्रदीप रीटे है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मानसरोवर ग्रुप का, इसी के साथ साथ राहुल जी का और विकास जी का, जिन्होंने मुझे इस कास्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी। जैसे कि ये एक हॉरर बेस्ड फिल्म है जिसमें जो भी कास्टिंग मैं कर रहा हूँ
ये सारे मतलब ज़्यादातर फ्रेश आर्टिस्ट को मैं पहली बार इसमें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है उन्हें भी अपने लाइफ में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने लाइफ में अच्छे लेवल से सक्सेस हो। बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विकास भाई का, जो मानसरोवर ग्रुप्स ऑफ कंपनी के ऑनर हैं। उन्होंने मुझे इस मूवी में कास्ट किया है, पैडी भाई ने मुझे कास्ट किया है इस मूवी में, मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने और मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूँगा। साथ में मेरे गौरव भाई हैं, ये भी एक्टर ही हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को लेके। कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, कंटेंट इतना प्यारा है लाइक जो कभी किसी हॉरर मूवी में हुआ नहीं है। नाम सतपाल सिंह है, मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैं अपना अच्छा टैलेंट दिखाऊँ। बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ और पंजाबी मूवी में मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, एंड राहुल सर का बहुत बहुत थैंक। पहली फिल्म है हिंदी बॉलीवुड, पंजाबी फिल्म में काम कर चुका हूँ मैं, पंजाबी फिल्म में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो हिंदी फिल्म में काम करने के लिए आया हूँ। अभी मुंबई में आया हूँ, एक महीना हुआ है आते हुए, बहुत कोशिश की पर आखिर सर से मुलाकात हुई तो सर ने एक मौका दिया है काम करने का, तो बस ये चाहता हूँ कि फिल्म में मैं कुछ कर दिखाऊँ ऐसा। मेरा नाम है दिनेश चौहान और इस फिल्म में मैं कुछ एक साल से जुड़ा हूँ। राहुल जी जो हैं मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और उन्होंने मुझे बताया कि दिनेश ऐसा सा कॉन्सेप्ट करना है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई अंदर से कि मेरा एक दोस्त एक पहली पिक्चर बना रहा है और मैं उनके साथ हूँ। और ये फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत जो हॉरर मूवी जो अदरवाइज होती है उनसे एक अलग हटके ये स्टोरी है, जो हॉरर मूवी जो होती है एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जो ये हमारी पब्लिक को बहुत भाने वाली फिल्म है। मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और हॉरर मूवी का जो कंटेंट है आपको जैसे पता चला, सबसे पहले राहुल जी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैं स्पेशली उनका काफ़ी अच्छा मित्र हूँ और म्यूज़िक के लिए मैंने काफ़ी उनका हेल्प किया है इस मामले में, तो मेरा भी ये फर्स्ट डेब्यूट है फॉर सिंगिंग इन बॉलीवुड। तो मैं अब आप जैसे जानते हो कि हॉरर मूवी है, हॉरर मूवी एक गाने से बहुत अच्छा इसका एक सीन क्रिएट होता है, एक मेलोडी और एक इसका जो प्लेबैक सिंगिंग का जो साउंड होता है, तो मैं उसके लिए स्पेशली सिंग। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो सहित पूरी वीडियो देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।